अस्सलामु अलैकुम जनाब बाबू भाई, सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, पिछली बार हम देख गए थे सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। आज हम आगे देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो चलो हम शुरुआत करें। पहला सवाल है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? हमें नेकी, नेकी यानी अच्छाई, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिलती है। फिर से देखें, हमें नेकी के मतलब अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिलती है। दूसरा सवाल, आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा सवाल, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। क्या कामना करते हैं कि हमारी जितनी भी जिंदगी हो वह कैसी हो? वह भली हो। आगे, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हम कभी यह ना सोचें कि हमें किसी से बदला लेना है, तो क्या आएगा? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे देखें, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। आगे देखें, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन कैसे पावन बनेगा? करुणा के जल से पावन बनेगा। हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। आगे, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। कैसा जल? करुणा का, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। पवित्र मतलब पाक, पावन। आगे, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? अमरूद क्यों खराब हो गए? क्योंकि वह कीचड़ में गिर गए थे। तो हम लिखेंगे, अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। आगे, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि इससे माँ के नाराज़ हो जाने का डर था, इसीलिए। नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सत्यवादी था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बड़गड़ा गांव किस राज्य में है? बड़गड़ा गांव केरल राज्य में है। बड़गड़ा गांव कहां पर है? केरल राज्य में। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी के भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्ण हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और कानों की रत्न जड़ित बूंदे दिए। आगे देखें, कौमुदी ने अपनी कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए?
क्योंकि कौमुदी को देश से बहुत लगाव था, उसकी दृष्टि में देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। लिखेंगे हाँ, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमरुद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था क्योंकि वह कीचड़ में गिर गए थे, इसीलिए नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम बताइए। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। क्या आएगा? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। आगे गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। आगे देखें, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? पूजन कई दिनों से मनोज मित्र जो था मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। वांछी अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? वांछी गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। क्या कहा था? कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पूजन मनुष्य क्या आशा करता है? पूजन मनुष्य यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। पत्र कब और कहां से लिखा गया? पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा जिला है कच्छ से लिखा गया था। पत्र किसने किसको लिखा? पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा। पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? पुस्तकों के महत्व के बारे में। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे और साथ ही साथ इसे याद भी करने होंगे। थैंक यू।